हेलो फ्रेंड्स, सो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशिक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आशिकिज़्म। सो वैसे टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जाने वाले हैं वीकेंड के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड कोजी डेस्टिनेशन नियर मुंबई एंड पुणे, जो कि है पावना लेक कैंपेन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब क्योंकि ये साल का पहला वीकेंड था तो हमने सोचा भाई क्यों ना इसको अच्छे से स्पेंड किया जाए, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पावना लेक कैंपेन के लिए। सैटरडे मॉर्निंग मैंने शुरू की अपनी राइड फुल जोश के साथ, लेकिन राइड करते करते लग चुकी थी मेरी वाट। फाइनली मेरी जान में जान तब आई जब आ गया खंडाला घाट। क्या बात है सर। यहाँ पे थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के बाद हमने कुछ अच्छे फोटोज निकाले और फिर हम चल पड़े अपने सफर में आगे की तरफ। पावना लेक आने के लगभग 45 मिनट पहले हमें मिला यह खूबसूरत रोड। अब यार यहाँ पर रुक के फोटो लेना तो बनता ही है। वैसे भी किसी ने कहा है ना, सफर के मजे नहीं लोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? अरे एकदम सही बात कर रहा हूँ भाई, ये देखो। कुछ और किलोमीटर की राइड के बाद में दोबारा से मिली हमें एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। और फाइनली 4 PM तक हम पहुंच जाते हैं कैंपेन साइट पर। चेक इन करने के बाद में हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा टेंट। तो जब अगर आपने टेंट में फंस गए और आपको आगे से एंट्री ना मानना हो, सामने को पता ना चले, तो ये पीछे की खिड़की आप देख रहे हैं, इसको सब खोलो और इसमें से बाहर निकलो। बहुत ईजी है ये, इसको बोलते हैं बाहर जाने की निंजा टेक्निक। और कुछ देर ऐसे ही टाइम पास करने के बाद में अब बारी आ जाती है हमारे इवनिंग स्नैक की। और स्नैक में हमने एंजॉय किया बहुत टेस्टी पाव भाजी। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ हम चल पड़े इस कैंप को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हमने कुछ देर तक बैडमिंटन खेला। आप ऐसा आके अपनी फैमिली के साथ खेल सकते हो। और फिर हम चले गए लेक साइड सनसेट को एंजॉय करने के लिए। वैसे यहाँ पे आप 300 रुपीज फॉर 2 पर्सन पे करके कायकिंग भी कर सकते हैं। सनसेट के वक्त जब मैंने पीछे मुड़ के एक बार कैंप साइट को देखा तो भाई मैं देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मनाली में हूं। और अब बारी है हमारा टेंट देखने की। और पूरी कैंपसाइट एक्सप्लोर करने तक हो जाता है सनसेट और फिर शुरू हो जाती है डीजे मस्ती।
और डीजे के गानों पे हम थोड़ा बहुत डांस कर ही रहे होते हैं। ठीक 8 बजे के शुरू हो जाता है हमारा बारबेक्यू, क्योंकि हमने फूड में एक वेज और नॉनवेज सेलेक्ट किया था, तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया। नॉनवेज में आपको मिलेगा चिकन बारबेक्यू और वेज में आपको मिलेगा पनीर एंड पोटैटो बारबेक्यू। पेट पूजा करने के बाद में अब बारी थी फिर से एंजॉय करने की। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे तक डीजे के गानों पे नाचने और बहुत सारे फोटोज निकालने के बाद में 10 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारा डिनर। सो ये है नॉनवेज प्लेट जिसमें आपको राइस और चपाती के साथ मिलेगा चिकन कड़ी एंड अंडा कड़ी, और ये है वेज प्लेट जिसमें आपको मिलेगा पनीर की सब्जी और एक और वेज सब्जी विद दाल चावल एंड चपाती एंड एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। डिनर करने के बाद लगभग 11 बजे शुरू होता है लाइव म्यूजिक। लेक साइड से आती हुई ठंडी हवाएं, बॉनफायर की जलती हुई आग और लाइव म्यूजिक के साथ में इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए फाइनली लगभग 12:30 बजे हम एंड करते हैं अपने इस डे को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह की पहली किरण के साथ हम अपना डे 2 स्टार्ट करते हैं। गर्मा गर्म पोहे और चाय की चुस्कियों के बाद कुछ देर पावना लेक पर स्पेंड करते हैं और फिर इस कैंप को टाटा बाय बाय करते हुए ऑलमोस्ट 10:30 को हम निकल जाते हैं मुंबई के लिए। सो दोस्तों वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको बता दूं हाउ टू रीच पावना लेक। सो अगर आप मुंबई या पुणे से आ रहे हो तो आपको उतरना होगा लोनावला रेलवे स्टेशन और वहां से आप कर लीजिए एक कैब जो आपको 1,000 से 2,000 रुपए में पावना लेक छोड़ देगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए। अगर आप 2-व्हीलर या 4-व्हीलर से आते हैं तो बाय रोड इज द बेस्ट वे। थोड़ा सा अंदर आना हेक्टिक हो सकता है बट स्टिल इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों अगर आप भी इस बेहतरीन कैंपेन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना पैकेज ले सकते हैं। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। और अपनी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स में। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।